हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम चिकन करी बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ एक चम्मच तेल से। इसे देख के और खा के आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं लगेगी कि ये बस एक चम्मच तेल से बनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। तो फिर चलिए तसल्ली के लिए रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे चिकन। मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अभी इसके ऊपर हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटा हुआ प्याज। अब बोल मेरी छोटी लग रही थी इसलिए मैंने सीधा पैन में ही इसको डाल दिया। कोई बात नहीं, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और 2 चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई लहसुन। 2 मैंने यहाँ पे डाली है छोटे वाले टमाटर। 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बस कलर के लिए है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। 1/2 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ये थोड़ा सा मीट मसाला मैंने डाल दी है, आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार में। और अब आ गया है ये दही। दही को अच्छे से पहले फेंट लेना है, बिल्कुल लम्स फ्री कर लेनी है, उसके बाद इसमें डाल देनी है। और ये देखो, मैंने बस 1 चम्मच तेल आपको बोला था तो 1 चम्मच ही मैंने तेल इसमें डाली है। और अब बस सीधा इसको ले चलना है गैस के ऊपर, फ्लेम को हाई पे रखेंगे और इसको कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे। आसान है ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे अपनी कढ़ी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बस 1 चम्मच तेल से बनी है। अभी हम इसको मीडियम पे करके ना ढक देंगे और बस 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलना और आप देख पाओगे कि चिकन जो है पानी छोड़ देगी। हमने जो प्याज डाले थे उसने भी पानी छोड़ दिया होगा। तो अभी हम फ्लेम को फिर से कर देंगे हाई पे और उसके बाद इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो पानी है ना ये सारा नहीं सोख लेती है। अब ये देखो दोस्तों, चिकन का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और साथ ही में ये पानी जो निकला था ना वो भी अच्छी तरह से सूख चुका है। अभी हम इसको ढक के रख देंगे बस थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और बस अभी टाइम आ चुका है इसमें पानी डालने का। तो पानी आपको उतना ही डालना है जितना आपको ग्रेवी के लिए चाहिए। और पानी को डाल के हम सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। 7-8 मिनट इसको अच्छे से उबालने देंगे और उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। बस 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए और उसके बाद इसको हम सर्व कर सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, अपनी 1 चम्मच वाली चिकन करी बिल्कुल रेडी है। ग्रेवी का टेक्सचर देखो और चिकन भी कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या फिर आप डाइटिंग में हो तो फिर आप ना ये वाला रेसिपी एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।